उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी संयुक्त मोर्चा एक बार फिर से राज्य सरकार और परिवहन निगम के खिलाफ मुखर हो गया है। हल्द्वानी रोडवेज स्टेशन पर सैकड़ों कर्मचारियों ने धरना दिया और तीन सूत्री मांगों को लेकर सरकार और परिवहन निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने संविदा विशेष श्रेणी कर्मचारियों को नियमित करने, मृतक आश्रितों को तत्काल नियुक्ति देने की मांग की। इसके साथ ही परिवहन निगम पर राष्ट्रीयकृत मार्गों पर अनुबंधित बसों का बेड़ा बढ़ाने और अपनी बसों को कम करने का षड्यंत्र रचने का आरोप भी लगाया है। रोडवेज कर्मचारियों ने सरकार व परिवहन निगम को चेतावनी देते हुए कहा कि 31 जनवरी तक उनकी मांगों पर अगर गौर नहीं किया गया तो पूर्ण रूप से चक्का जाम और हड़ताल की जाएगी, जिसका पूरा असर राज्य के यात्री व्यवस्थाओं पर पड़ेगा और प्रदेश भर में पर्यटकों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। निगम में जो कर्मचारियों के खिलाफ एक व्यू रचा जा रहा है, रचना रची जा रही है, इसके खिलाफ हमारे पूरे पांच संगठनों ने एक मोर्चा बनाया है, जिसका हम कल टनकपुर में वो किया गया है धरना प्रदर्शन, आज हल्द्वानी में है, 27 को देहरादून में है। ये जो परिवहन निगम की नीति है, करीब हमारे वहाँ 20 सालों से विशेष श्रेणी के और संविदा का कर्मचारी चालक परिचालक के रूप में और कार्यशाला में कार्यरत हैं। इनका हमारी पहली मांग है, इनका नियमितीकरण किया जाए या इनका वेतन बढ़ाया जाए। और दूसरी मांग है हमारी, जो परिवहन निगम की संपत्ति को खुर्दबुर किया जा रहा है, परिवहन निगम के जो बस बेड़ों में जो टेंडर परमिट के जारी किए जा रहे हैं उसको रोका जाए और परिवहन निगम में जितनी भी वर्कशॉप हैं और वो हैं उनको उनका आधुनिकीकरण किया जाए, बस डिपो को बढ़ाया जाए। इसके लिए हम पूरे 27 तक हमारा ये धरना प्रदर्शन है, 31 से हमारा कार्य बहिष्कार पूरे प्रदेश में। कमल पपने। दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।